भलुआ पुलिस द्वारा अवैध गांजे की बड़ी खेप के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार। ट्रक में सब्जी के कैरेट्स में छिपाकर ले जा रहे थे 4 क्विंटल 4 ग्राम गांजा हुआ बरामद। बरामद गांजे की अनुमति कीमत 1 करोड़ रुपए बताई गई है। जनपद चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बलुआ पुलिस द्वारा रविवार को देर रात्रि वाहन चेकिंग के दौरान पपौरा बाजार स्थित बैंक के समीप एक ट्रक में सब्जियों के कैरेट में गांजे को छुपा कर ले जा रहे थे अभियुक्त। इस दौरान दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा सोमवार को पुलिस लाइन सभागार कक्ष में करते हुए एएसपी प्रेमचंद ने बताया कि बलुआ थाना पुलिस द्वारा रविवार को देर रात्रि वाहन चेकिंग के दौरान पपौरा बाजार में एक ट्रक से 4 क्विंटल 4 ग्राम गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक से खाली कैरेट की रैक नीचे गिरी तो पुलिस ने उक्त ट्रक को रोक कर चेकिंग शुरू करवाई, तो इसी दौरान ट्रक से लोग उतरकर भागने लगे, जिसमें दो व्यक्तियों को पुलिस ने धर दबोचा। कैसा वर्कआउट? देखिए, बलुआ थाना क्षेत्र में पपौरा एक जगह है जहां पर रात में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ही एक ट्रक से कुछ सब्जी वाले कैरेट्स गिरे और उसके आधार पर उस ट्रक को रोका गया। ट्रक के रोकने के बाद जो है उसमें से दो आदमी भागते हुए दिखाई दिए, जिनको दौड़ा पकड़ा गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये छत्तीसगढ़ से चलते हुए बनारस होके चैनिया होते हुए जमानिया दानापुर होते हुए आरा के लिए एक ट्रक जा रही थी, जिसमें 4 क्विंटल 4 किलोग्राम गांजा लदा हुआ था, अवैध गांजा जो तस्करी का था, जिसको पकड़ा गया। अभियुक्तों से पूछताछ में ये गांजा जो है आरा के लिए जा रहा था और ये जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। अभियुक्त में जो है संजय कुमार और अजय शंकर, ये उदवंत नगर जिला भोजपुर बिहार के रहने वाले हैं, ट्रक ड्राइवर हैं और इनको जो है इनके विरुद्ध NDPS एक्ट का मुकदमा कायम करके जेल भेजा जा रहा है। अभी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं, इस संबंध में जानकारी की जा रही है। गिरफ्तारी की टीम में सूर्य प्रताप सिंह SHO बलुआ और प्रशांत कुमार सिंह चौकी इंचार्ज मारूपुर और उनकी टीम थी और ये कार्रवाई एक अच्छी कार्रवाई। संवाददाता OP श्रीवास्तव, IBN न्यूज़ चंदौली। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।